अब बाटा का स्टॉक है जैसे, यहां से 50% बढ़ सकता है 6 महीने में। तो टाइम टू टाइम अनुज अलग अलग स्टॉक्स रॉकेट बन जाएंगे। मैं रॉकेट की अपेक्षा से सौदे नहीं कर रहा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको मैं टीवीआर की चार्ट दिखाता हूं। एक सेकेंड देखिए सुशील, टीवीआर में लास्ट टाइम हमने आपके बार बार रेगुलर गेस्ट जो आते हैं राहुल अरोड़ा, ने दोनों का बड़ा तेजी में ध्यान था कि 1700-1800 तक का भाव हुआ, करेक्शन आ गया, जो डबल बॉटम बन रहा है। मैं इंतजार में हूं कि 1-2-3 दिन जो भी लगेंगे कंफर्म्ड रिवर्सल पैटर्न आने दीजिएगा, प्रीएम्प्टिवली मत लीजिएगा। और ये यहां से अगर बाई बना तो अगला मोड पीवीआर में हो सकता है 2 महीने में 50% के रिटर्न दे दे। तो अभी ठीक भी है, बाजार में अलग अलग जगह पे बड़े बड़े रॉकेट्स फिर से बनेंगे, इंडाइसेस बार बार बाई द डिप्स मोड में ही है, और कुछ कुछ सुशील स्टॉक मैं के एक पॉकेट जो बार नहीं, वो मैं समझ गया, मैं एक बार आईटीसी वाली कॉल पे आपका थोड़ा सा मैं वो कह रहा था, नहीं वो आपकी बात ठीक है कि बैट कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि भाई सेल करना बैट का कॉल है, किस प्राइस पर सेल करना है वो तो मार्केट डिसाइड करेगी ना, अगर मार्केट अगर स्टॉक गिर रहा है तो गिर रहा है, वो चार्ट दिखा रहा है कि गिर रहा है स्टॉक। अरे भाई अब तक गिरते गिरते अभी ओवरसोल्ड है, मैं यहां नहीं बेचूंगा। मैं इंतजार में हूं कि जैसे 1-2 दिन में रिवर्सल दे, 2-3 दिन के बाद भाव के ऊपर बंद देगा और इस ब्लू लकीर के ऊपर बंद देगा। सिंपल आइडिया है, आई डोंट वांट टू जज, मुझे कोई जजमेंट नहीं करना, मुझे कोई व्यू नहीं लेना, मैं कुछ नहीं करूंगा आईटीसी में। और अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर चला गया तो मैं लंबा दांव लगा दूंगा इसमें, छोटा मोटा दांव नहीं, क्योंकि चार्ट की एनालिसिस बोलती है अगला मोड 550 का। बैट वापस मना कर देगा, नहीं बेचना है, बैट बेचते बेचते एक साल लगा देगा, तो क्या मार्केट का प्राइस बैट के लिए अटका थोड़े रहेगा। ठीक है।